दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। अभी मैं पूजा करने गई थी मंदिर, और पूजा करके मंदिर से आई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक छोटा सा आप लोगों के बीच में एक ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। अभी मैं पहले मैं घर में पूजा करी थी, ये देख लीजिए। अभी मैं पूजा करके रहती हूँ। ये प्यारी सी मेरी मंदिर है, छोटी सी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर नहीं है दोस्तों। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा तो बड़ी मंदिर भी आएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को दिखाया जाएगा। और एक और मेरे छोटे से शंकर भगवान जी हैं, जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, अभी मैं पूजा करके रहती हूँ और अभी प्रसाद चढ़ाई हूँ, पूजा करी हूँ। और ये मेरे सोसाइटी की मंदिर है। अभी मैं बाहर मंदिर में पूजा करने गई थी, मुझे लगा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं, कौन कौन व्रत है? मैं तो व्रत हूँ, और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कौन कौन व्रत है, और जय माता जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग प्यार से जय माता जी जरूर लिखेंगे। और बताइए, हम आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा आप लोग खुश रहिए और माता रानी आप लोगों के ऊपर दुआ बनाए रखे, और सबकी कामना पूरी हो और सबका घर परिवार खुशहाल रहे। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा ऐसे ही नवरात्रि आता रहे और आप लोगों को आशीर्वाद हमेशा मैं देती रहूँ। अभी मेरी बेटी नहीं है, अभी मेरी बेटी गई है स्कूल। अब जब आएगी तो उससे भी मिलाएंगे, लेकिन आप जानते ही हैं वो बात ही कितना करती है, बस लड़ती है सबसे, झगड़ती है, और बात भी अच्छे से नहीं करती है। मन होता तो करती है, मन नहीं होता तो नहीं करती है। अभी काम करके मैं भी रीति तो पूजा करने गई, पूजा करके भी आई हूँ तो व्रत थी तो अब थोड़ा सा पानी पी लूँगी, प्यास लगी है तो पानी पीऊँगी। और फिर ओहो, अभी आरओ में पानी नहीं है, आरओ साफ करी थी इसमें पानी नहीं है दोस्तों। प्यास तो बहुत तेज लगी थी लेकिन पानी नहीं है। आइए आप लोग प्रसाद खा लीजिए, ये देखिए, आइए प्रसाद खा लीजिए, माता जी का प्रसाद है। और एप्पल है, खा लीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को प्यार से खिला रही हूँ। प्रसाद है भगवान जी का, माता जी का प्रसाद है। आप लोग आइए और प्रसाद खा लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को कमेंट वो सॉरी ब्लॉग अच्छा नहीं लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाते नहीं बनता है दोस्तों, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और मेरा लुक देखिए कैसा लग रहा है, आज मैं प्यारी प्यारी सी साड़ी पहनी हूँ। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ, साड़ी में मेरा लुक कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैं सिर रख के दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे लग रही हूँ। आप लोग बताइएगा प्यारा प्यारा सा कमेंट करके कि कैसे लग रही हूँ साड़ी में। आज मैं माता जी की पूजा करी हूँ तो मैं साड़ी पहनी हूँ, इसलिए कि मुझे जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे साड़ी पसंद है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं माता जी की पूजा करती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ। ये अब जाती पूजा, अब आलदा नहीं लगा पाई थी दोस्तों, तो अब आलदा लगाने जा रही हूँ। और सभी बहनों से, भाई से, चाची चाचा जो भी है, दादी, बस सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा और वीडियो पोस्ट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मुझसे ब्लॉग बनाना नहीं आता है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं मुझे लगा थोड़ा सा छोटा सा बना लेती हूँ, इसलिए मैं छोटा सा ब्लॉग बना ली हूँ दोस्तों। वैसे हमसे ब्लॉग बनाना आता नहीं है, आप लोग गलती होगी तो माफ़ करना।
और मैं अपने माता जी से एक बार और दर्शन कराती हूँ। आप लोग प्यार से जय माता जी जरूर लिखिएगा, प्यार से बोलो जय माता जी, जय माता जी, प्यार से बोलो जय माता जी।